का राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का कानून है वो भी तो सरकार एक दीवार पे लिखती है कि ये जॉब कार्ड नंबर है, इतना दिन किया वो भी तो लिख रहे हैं। और भू संरक्षण का काम होता है तो वो भी एक पत्थर पे लिख के भी यहाँ पे इतना रुपया खर्च होना है, इतना है, वो भी पत्थर पे लिखते हैं। तो ये थोड़ी है कि पत्थरगढ़ी का मतलब इस कानून के बारे में आप लिखो कि पत्थरगढ़ी कर रहे हैं और पत्थरगढ़ी अलग वो कर रहे हैं। हम अलग की कोई बात नहीं कर रहे हैं और कहीं भी अलग ये सीधे वो नहीं कह रहे। क्या है कि अगर वर्षों से कोई चीज ऐसी हो रही है कि उनके साथ में उनकी बातें नहीं मानी गई है और आज वो शब्द उठेंगे तो निश्चित रूप से उनको अलग लगेगा कि हाँ ये उल्टा हो रहा है। तो जब तक हमारे संविधानिक में हमको जो राइट्स थे वो अगर 50 साल से हमें नहीं मिले तब तक तो आपने संविधान की बात नहीं उठाई। लेकिन आज आदिवासी इलाके में कोई गांव की गांव सभा ये कहे कि जमीन आप तहसीलदार साहब आप नहीं लेंगे हमको बिना पूछे, ये तो कहा हमने कि हमारी जमीन है आप बिना पूछे हमें मत लो, पूछ के लो ना, बात तो इतनी है। अब तहसीलदार साहब कहे कि आप मुझे कहने वाले कौन हो, मैं तो तहसीलदार हूँ, मैं जमीन का बात इतनी है, मैं तो तहसीलदार हूँ, मुझे तो सरकार ने बनाया, मैं तो आपसे पद बड़ा है। तो लोगों ने कहा कि आपका पद बड़ा नहीं है, आपको तो हमारी सेवा के लिए रखा है तो हमारी बात मान लिया करो। यहाँ पे टकराव है। अब किसी जनप्रतिनिधि को कहा है कि भाई आपको तो हमने वोट दिया है तो आप हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं। लोगों ने कहा है कि हमने बेटा पैदा किया या बेटी पैदा की तो बाप से बड़ी कैसे हो सकती है, आखिर बाप भी बड़ा है उम्र में, तो उसको हम उसको भी सम्मान करें और वो भी हमें इज्जत दे। बात तो इतना ही कह रहे हैं हम तो, और तो कुछ कह नहीं रहे। तो जनप्रतिनिधि को उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात मानो, मानो मतलब हमारी बात, हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं उस पर आप विचार करो, अगर हमारी बात सही है तो उस पर आप अमल करो, अगर सही नहीं है तो हमें चर्चा करो, हमें और समझाओ कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तो अपन सब सहमत हो जाए, बात इतनी है। तो हमें अभी